नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब किसी कवि ने लिखा था कि आज देश की बलि वेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, आज तिरंगा ओढ़ मृत्यु को गले लगाने कौन चलेगा। तो देश के नौजवान हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे का नारा दिया करते थे। देश की आज़ादी के बाद भी देश के विकास के लिए, इसको सारे संसार में आगे लाने के लिए बहुत सारे नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आए, कुछ इसी भावना को लेके कि हम भी देश के लिए कुछ करें। उन्हीं में से एक थे श्री गिरीश बापट जी, जो महाराष्ट्र के वर्तमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ हैं। आइए एक मुलाकात कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गिरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति की ओर रुख कैसे हुआ आपका? ये भी आपकी व्यक्तिगत इच्छा थी या पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो ऐसा था? कोई हिस्ट्री है, इतिहास है। एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते जब तक मैं काम करता था और मैं सर्विस भी करता था, नौकरी भी करता था जी, तब 1974 में ये देश पर ऐसी एक आपत्ति आई जिसको इमरजेंसी बोलते, आनी बानी आई थी जी जी। उस वक्त मैंने आंदोलन किया था उसके खिलाफ, और मैं बाद में मुझे शिक्षा हो गई कोर्ट की तरफ से, और मीसा में मुझे 19 महीने जेल में भी डाला था। तब वो परिवर्तन हुआ मेरे व्यक्तिगत जीवन में जी जी। और मैंने सोचा कि देश के लिए और लोकशाही के लिए काम करना है। जेल में से जब हम छूटे तब से मैं बाद में राजनीति में आ गया जी जी। कुछ मूल्यों के आधार पर आ गया है मैं, कुछ कमाने के लिए, कुछ पद मिलने के लिए नहीं आया। मैंने ऐसे सोचा कि राजनीति में अगर अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति और अच्छी हो जाएगी जी जी। और इसलिए सोच बुझ कर, समझ कर और बहुत विचार करके मैं राजनीति में प्रवेश किया जी जी। एक बहुत सुंदर संकल्प लेकर के आप इस क्षेत्र में आए हैं भाव। तो विशेष करके कौन सी एक ऐसी सिद्धांत आपने अपने लिए रखे, क्योंकि किसी भी पथ पे चलना बहुत ही उतार चढ़ाव भरा होता है और खास करके मैं कहूँगा राजनीति का क्षेत्र बहुत उतार चढ़ाव उठा पटक वाला क्षेत्र है। आपने अपने सिद्धांतों को कैसे कायम रखा या कौन से सिद्धांत आप लेकर के चले जिसने आपको दिन दुनी राज चौगनी उन्नति की ओर ही आगे बढ़ाया? ऐसा है तो बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते और राजनीति में काम करते हुए, ये राजनीति मेरे लिए नहीं है। ये राजनीति में मैं जो काम करता हूँ वो दूसरों के लिए काम है। अगर ये एक विचार मन में पक्का आया तो फिर अपने हाथों से लोगों की सेवा होती है जी जी। अगर ये तय करके आए कि मुझे और बहुत बड़ा होना है, मेरे पास स्कूटर है तो कार खरीदना है, कार खरीदने के है तो लग्जरी कार लेना है, बाद में हेलीकॉप्टर लेना है, तो इसको कोई अंत नहीं। बिल्कुल, ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती, इच्छा बढ़ती चलती जाती जी है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे जो करना है वो दूसरों के लिए करना है, समाज के लिए करना है, दलित पीड़ित गरीब लोगों के लिए करने का है। और जब ऐसी बात मन में सोच कर काम करते हैं तो बहुत सारी सेवा करने का प्रयास मैं करता हूँ और उसमें यशस्वी भी होता हूँ जी 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 जी। अभी जो समाज की स्थितियाँ हैं भाव, कई बार उसे देख करके लगता है कि थोड़ी दयनीय होती चली जा रही है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहा है या बहुत सारी विकृतियाँ आती जा रही हैं। यदि हम न्यूज़पेपर उठा के देख लें, टीवी चैनल खोल के देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव आता है कि क्या हो रहा है देश में, समाज में। आपको क्या लगता है कि कैसे इन चीज़ों को बदला जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है? इसको जरूर बदला जा सकता है और इसको बदलना है ये मेरे सामने का आह्वान है जी। और ना मेरे अकेले के सामने नहीं है, बहुत सारे राजनीति में भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं। यह है कि राजनीति बदनाम हो गई है, क्योंकि राजनीति में काम करने वाले सीधे साफ मन से काम नहीं करते। उनका एक अलग कार्यक्रम रहता है और बताना एक अलग रहती है। इसलिए उक्ति और कृति में जब अंतर हो जाता है तो वो बेनाम लोगों के सामने आता है। वो महात्मा जी हर टाइम ऐसे बोलते थे जी कि उक्ति और कृति में कम से कम अंतर होना चाहिए। और अगर ये समाज के सामने आ गया तो फिर लोग अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने को मानते हैं और अपने को भी काम करना
ये उसमें सुविधा आती है। जी जी जी, आप इसमें अध्यात्म को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या समाज के हर वर्ग के लोग हैं? यदि हम ही समाज में परिवर्तन लाना है, हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना है या अच्छाई की ओर बढ़ना है, इसमें मूल्य शिक्षा और अध्यात्म का क्या रोल हो सकता है? देखो, अध्यात्म ये एक ऐसा बड़ा शब्द आजकल हो गया है कि आम आदमी को ऐसा लगता है, अरे अध्यात्म तो ये मेरा काम नहीं है, वो कोई गुरुजी मंदिर में बैठा है, कोई आश्रम में बैठा है, जी, जी. वो अध्यात्म करेंगे, मेरा काम नहीं है अध्यात्म का, ऐसा नहीं है जी. अध्यात्म चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो या न हो, हर एक आदमी के हृदय में आध्यात्मिक बैठक रहती है। वो बैठक को कैसे चलाते हो उसके ऊपर आपका अध्यात्म हो, चाहे वो कोई शिक्षा ले या न ले, आप कोई आदिवासी हो या खेत में काम करने वाला मजूर हो या कोई रिक्शा चलाने वाला हो, आप ऐसी जरूरत नहीं कि कोई प्राध्यापक पंडित हो और बड़े लेक्चर देते हो और आप आध्यात्मिक है और ये आम आदमी आध्यात्मिक नहीं। अध्यात्म आत्मा से निगड़ित है और आत्मा परमात्मा से निगड़ित है, और आत्मा और परमात्मा में जब संवाद होता चलता है, वो संवाद की सीधी बात रहती है। संवाद की बात क्या रहती है, मुझे एक चीज दिखती है, ये बाजू अच्छी है, ये बाजू गलत है, मैं कौन से बाजू में जाऊं? अगर मैं गलत बाजू में गया तो मेरा फायदा होगा, तो इसलिए मैं गलत बाजू में गया तो अच्छा नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं अच्छी बाजू से तरफ गया तो मुझे मन की शांति मिलेगी, मैं इसका सीधा अर्थ आध्यात्मिक जी, जी, जी। ये आध्यात्मिक बैठक है। जब हर एक आदमी को, जानवरों को कलता है कि कुत्ते को कलता है कहाँ जाने का कहाँ नहीं जाने का, तो आम आदमी को नहीं समझ में आता जी, जी। उसको भी समझ में आता है, लेकिन व्यवहार क्या करता है आदमी, उस व्यवहार जब अच्छा करेगा तब वो आध्यात्मिक ही काम होता है, ऐसा मानना वाले में। व्यवहार जब गलत हो जाएगा तो वो अच्छा काम नहीं करता है जी। अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये समझकर अपने खुद के व्यवहार में उसके अनुसार जो व्यक्ति काम करती है वो ही अध्यात्म है, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। मेरे अध्यात्म की व्याख्या सीधी, नहीं, नहीं, एक सुंदर सी व्याख्या, कोई सिखाया नहीं लेकिन मैंने तय किया। जी जी, आपने सुंदर सी व्याख्या दी है कि हमारे अंदर जो एक आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक भाव है, उसे ही जागृत करने की जरूरत है और उसके द्वारा ही हम एक अच्छाई के मार्ग पे चल सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है भाव, जिसमें आप विशेष आए हुए हैं अभी एक कार्यक्रम में, तो ये विश्वविद्यालय जो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है या लोगों के अंदर जो आध्यात्मिक भाव को जागृत करने का कार्य कर रहा है, इस विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहेंगे? देखो, मुझे तो बहुत आदर है, प्रेम है, और ऐसे प्रजापति पिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से दुनिया भर के सारे लोगों को एक प्रेरणा मिली है जी, और आगे भी मिलेगी। मैं पहले जैसा बोला ना कि हर एक आदमी में, देखो अपन हमेशा बात करते हैं कि अणु की, अणु क्या होता है, उसमें शक्ति होती है, वो शक्ति का कैसा उपयोग करे। जैसे अपने बाबा थे, बहुत साल पहले उन्होंने उनके हृदय में जो अणु के गुण थे उस गुण का अणु का स्फोट किया उन्होंने, और स्फोट करके क्या किया तो दुनिया भर के लाखों लोगों को विश्वास देके एक अच्छा काम करने के लिए उनको परिवर्तित किया जी जी। उनके मन में अणु का स्फोट होने के बाद वो अणु का सदुपयोग करके दुनिया भर के लोगों को अच्छा काम करने का मार्गदर्शन किसने किया, तो बाबा ने किया। दूसरी तरफ भी अणु रहता है, अमेरिके ने भी अणु का स्फोट किया था, क्या किया वो अणुभाव ने, हजारों लाखों लोगों को मार दिया। अणु वही है जी, जी, जी। वो अच्छा उपयोग किया तो वो शक्ति है, उसका दुरुपयोग किया वो नष्ट होता है। तो आज ये आश्रम में आके देखो, बाबा जैसे एक परमात्मा ने इतने लोगों के मन में होने वाला अणु का स्फोट करके हजारों लाखों लोगों को जो दुआ दी, मार्गदर्शन दिखाया, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की, ये दुनिया तभी सुधारने वाली है, ये दुनिया में तभी जागृति आने वाली है। तो ये आश्रम की तरफ से और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विद्यालय के माध्यम से ये दुनिया भर, हिंदुस्तान भर अच्छा काम हो रहा है, और अच्छा काम जहाँ जहाँ होता है वो खुद जाकर देखना, उसे स्फूर्ति लेना, उसे मार्गदर्शन लेना,
ये मेरा हमेशा का एक काम रहता है। इस नाते ही मैं आज दादी की ये समारोह के लिए और 100 साल उनको हो गए वो प्रोग्राम के लिए मैं इधर आ गया और मैं बहुत आनंदी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और कुछ अलग प्रेरणा लेके मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। जी जी जी, विशेष करके आपने दादी जी की बात कही कि दादी जी अपना 100वां वर्ष कर रही है, हम उनका शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो दादी जी में विशेष करके आपने क्या देखा कि किस प्रकार वो मानवता की सेवा कर रही हैं, तो उनसे विशेष क्या प्रेरणा ली और मैं भी अब जा करके कुछ ऐसा करूं, वो प्रेरणा हम जानना चाहेंगे। दादी माँ का आज तो बहुत सान्निध्य मिला, सहवास मिला, उसके पहले भी मैंने उनको देखा है, पुणे में आते हैं तो दर्शन भी लिया है, लेकिन 100 साल लगातार इस तरह का काम करना और यही संसार मेरा घर है इस भावना से काम करना और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक प्रेरणा दी जिस दादी ने, उसका आज सहवास मिला, काम की प्रेरणा मिली और आने वाले हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी एक आदर्श करके दादी के सामने मैं देखता हूँ, दादी को देखता हूँ और मुझे बहुत ही जैसा परमेश्वर मिला हमको आज परमेश्वर हम पिक्चर में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, लेकिन खुद आज परमेश्वर का दर्शन हो गया, ये एक आनंद मुझे आज मिल रहा है। जी जी जी, विशेष करके कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है भाव कि हम तो संसार में रहते हैं और संसार में रह हमारे लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलना या अच्छाइयों को अपने जीवन में लाना, ये सब चीज़ें शायद आज के कलयुगी परिवेश में संभव नहीं है। दुनिया जैसे चल रही है उसी चाल में हमें चलना होता है, यदि सब बेईमानी कर रहे हैं तो हमें भी बेईमानी करना पड़ता है, सब झूठ बोल रहे हैं तो हमें भी झूठ बोलना पड़ता है, तो आम मान्यता ऐसी हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये मान्यता सही है या इससे अलग, जैसे आपने दादी जी के लिए कहा एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है, इससे अलग भी क्या जिया जा सकता है? जरूर जिया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं कि इस भूतल पर, पृथ्वी पर आने वाला हर एक आदमी बहुत अच्छा रहता है, जब वो बढ़ जाता है, व्यवहारिक जीवन में घूमता है तो उसे कुछ अच्छे अनुभव नहीं आते, उसे लगता है कि चोर चोरी करके श्रीमंत तो हो जाता है तो मैं भी चोरी करूं, उसको वो नहीं देखता कि खेत पर काम करने वाला मेरा किसान कष्ट करके बड़ा होता है। तो दुनिया में पॉजिटिव थिंग्स जाना चाहिए, अच्छे अच्छे काम जाने चाहिए, अच्छे लोग लोगों के सामने आने चाहिए और दीदी हो या दादी हो, ये सब दुनिया भर घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों का काम करते हैं, मार्गदर्शन करते, उनसे ये अनुभूति आती है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं। मुझे एक याद आता है और हर एक, आप जैसे बोले कि सुबह पेपर पढ़ो तो अपने को दिखता है इधर बलात्कार हो गया, इधर चोरी हो गई, इधर मारी हो गई, इधर आग लगी, ये जी, लगी जी, जी, तो निराशा मन में आती है, आने की जरूरत नहीं। ये जहां जहां हो रहा है वहां का हर एक आदमी अगर प्रतीकात्मक या हो उसको प्रतिकार करे तो ये सब बंद हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ कि एक आदमी कोई हमारी बहन की मस्ती कर रहा है, उसको तस्दीर दे रहा है, मैं खाली बैठ कर देखता हूँ, अरे वो ऐसा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा और मैं आगे निकलता हूँ। मैं क्यों नहीं जाता उधर, क्यों नहीं वो आदमी को पकड़ता हूँ, क्यों नहीं मैं खुद उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, मुझे डर लगता है। और इसीलिए एक महात्मा जी का वाक्य है, वो मैंने हमेशा जिंदगी में रखा है और सुनने वाले सब रखो कि जहां तक मेरी ताकत है, ताकत नहीं होने तो भी आगे बढ़कर, कहां जो बुरी बातें हो रही है, जो अच्छा नहीं चल रहा है, उसको अपनी तरफ से प्रतिकार करना चाहिए। हम सब लोग प्रतिकार नहीं करते, हम निंदा करते हैं, निंदा करने से काम नहीं होगा, प्रतिकार करने से काम होगा। इस दुनिया में सबसे सब लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग हैं, बुरे लोग बहुत कम है, लेकिन बुरे लोग संगठित है, बुरे लोग प्रतिकार करते हैं और अच्छे लोग चुप रहते हैं। इसलिए आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में बुराई, तो महात्मा जी का एक वाक्य जो एक सेंटेंस है मैंने जिंदगी भर मेरे हृदय में रखा है, महात्मा जी ने कहा था कि दुनिया में बुराई इसलिए नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा है, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे और मेरा जैसे लोग चुप है।
जब तक मैं चुप रहता हूँ तब तक मुझे अधिकार नहीं है कि बुरी बातों पर कुछ ये करना। बिल्कुल, मतलब जब कभी ऐसी स्थितियां हो तो हम सामने से आगे आए इन बुराइयों को रोकने के लिए अपने आप को। एक चीज तो ये होती है भाव कि चलिए बुराइयां हो रही हैं चारों तरफ, हम सामने आए उसे दूर करने की कोशिश करें, प्रयास करें, अपना संपूर्ण योगदान दें। दूसरी चीज एक ये क्या नहीं हो सकती कि अंदर से व्यक्ति को बदला जाए। मेरे अंदर यदि अच्छाइयां जागृत हो जाएंगी तो मैं वो बुरे काम करूंगा ही नहीं। तो क्या समाज में एक ऐसा वातावरण हम ना फैलाएं, मैं अच्छा काम करूं, ये प्रेरणा ही ये आज इधर आने से मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को मिलती है। जितने देश भर और विश्व भर अपने सेंटर चालू है वहां जाके लोगों को मिलते हैं, और ही बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि एक ही कोई सेंटर है, ऐसे 100 सेंटर होना चाहिए। जैसा मंदिर होता है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी का आश्रम होता है, हर एक कोई भी आश्रम होता है, अच्छा स्कूल होता है, जहाँ ये शक्ति और भक्ति का प्रयास लोगों को समझ में आता है, अच्छे और बुरे की बात लोगों के सामने समझ में आते हैं, और समझने के बावजूद वो खुद कृति करता है। जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो क्या ये लगता है भाव आपको कि जो ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में जो ये ज्ञान दिया जा रहा है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है या राजयोग सिखाया जा रहा है आत्म जागृति के लिए, आत्म चेतना के विकास के लिए, ये पूरे भारतवर्ष में जन जन तक पहुंचना चाहिए? भारतवर्ष में क्यों, विश्व तक, ये दुनिया में जाना चाहिए। जी जी ऐसा मुझे लगता है, और एक प्रयास ये विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है, बहुत अच्छा है, सब दुनिया जानती है, और अच्छा काम है और आगे ही बढ़ेगा। आपके जैसे लोग और यहाँ के बहुत साधक अच्छा काम करते हैं, एक ना एक दिन उसका फल ही मिलने वाला है। बिल्कुल भाव, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ। मैं एक शब्द आपको दूंगा, इंस्टेंटली आपके मन में जो भी विचार आए वो हमारे दर्शकों को एक शब्द में या एक भाग में बोलें, ठीक है ना? प्रयास करता हूँ। ज्ञान, ज्ञान जी, अच्छा और बुरा क्या है ये समझने का जो जजमेंट मन में आता है ना, वो ज्ञान है। भारत, भारत ये एक पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, जहां से सारे दुनिया को मार्गदर्शन मिल सकता। नारी, नारी ये हमारी माँ रहती है, बहन रहती है, और नारी से जैसे मैं ये आश्रम में देखा कि ज्यादा करके यहाँ हमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी बहने और माँ काम कर रही है, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है, तो नारी का सम्मान ये हिंदुस्तान में होना चाहिए, हो रहा है, और उसको बढ़ावा देना चाहिए। अध्यात्म, अध्यात्म ये हर एक के मन में जो द्वंद्व चलता है ना, वो द्वंद्व में अच्छा क्या और बुरा क्या ये सोच समझकर जब अच्छी काम के लिए उद्युक्त आदमी होता है वही आध्यात्मिक आदमी होता है। स्वर्ग, स्वर्ग बोले तो आज जब मैं आया हूँ ये माउंट आबू स्वर्ग। बहुत सुंदर। ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमारी आश्रम और सभी ये इंस्टीट्यूट लोगों को अच्छे रास्ते पे लेके जाने वाला एक बड़ी इंस्टीट्यूट है। जी। पिता, पिता जैसा पिता का भूमिका रहता है कि सब लोगों को संभाल के अपने कुटुंब परिवार को आगे ले जाना, ऐसी सब दुनिया को संभाल के दुनिया को आगे ले जाने का जो काम ये संस्था कर रही है वही प्रजा पिता है। मेरा देश, मेरा देश तो ऐसा देश है कि जो दुनिया को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, और आगे आने वाले 10-20 साल में मेरा देश पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। मैं गुलाब जामुन। परमात्मा, परमात्मा आत्मा और परमात्मा, आत्मा मेरे हृदय में रहता है, मेरे मन में रहता है, और जैसा मेरे मन में रह के मैं अच्छा काम करने का सोचता हूँ ऐसा ही आप जो सोचते हैं, मेरा अच्छा सोच ये मेरा आत्मा, और आप भी अच्छा काम करता है वो परमात्मा, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया और वो मिलन से सभी अच्छा काम चालू हो गया, तो ये काम करने का जो संदेश है, जो वृत्ति है, जो संस्कार है वो परमात्मा। राजयोग, राजयोग ये सब सोचकर खुद ही वो काम में लगा रहना मुझे लगता है वो राजयोग है। दादी जान कीजिए, दादी दादी तो हमारी आदर्श है, हमारी माँ है, हमारी पिता है, हमारी मार्गदर्शक है, हमारी भगवान है, और मंदिर में वो जैसा मंदिर में परमेश्वर रहता है हमारे हृदय में
दादी माँ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आनंद आया ये लास्ट राउंड आपके साथ खेलने के लिए, और आप यहाँ आए भाव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि बारंबार आप यहाँ आए और साथ ही अपने सुंदर अनुभवों को हमारे साथ बांटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, क्षेत्र राजनीति का हो या धर्म का हो, जब उसमें सेवा भाव जुड़ जाता है तो वो हमें सच्चा सुख, संतोष और आनंद प्रदान करता है। राजनीति के क्षेत्र से बापट जी हैं, वो भी सेवा को अपना मूल मंत्र मानते हैं, और दादी जानकी जी, उन्होंने भी धर्म के क्षेत्र में रहते हुए, आध्यात्म के क्षेत्र में रहते हुए सेवा को ही अपना आधार बनाया, और सेवा के द्वारा ही वो सबके प्रिय बने हैं, और साथ ही साथ संसार को एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश दे रहे हैं। क्यों ना हम भी जहाँ पे भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, सेवा भाव को अपने जीवन में लाएं, चाहे वो सेवा मातृभूमि की हो या जनता जनार्दन की हो। जब ये सेवा भाव हमारे जीवन में आ जाएगा, जो आध्यात्म से ही पैदा होता है, तो सचमुच हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हम सच्चे आनंद को, सुकून को अनुभव कर पाएंगे। करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।